पिछले चैप्टर में हम जहाँ पे एंड किए ना, विच वॉज लिविंग वर्ल्ड में, वी एंडेड अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर सकते हैं। ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है। द चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम वहीं से आगे शुरू कर रहे हैं जहां पे कैसे और किस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने कोशिश किया था क्लासिफिकेशन करने का ऑर्गेनिजम्स को इन द बिगेस्ट कैटेगरी विच इज किंगडम। ठीक है, सो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एरिस्टोटल। नाम तो सुने होंगे। एरिस्टोटल ने सबसे पहले कोशिश किया ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करने का। उसने क्या बोला कि जो जो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं ना, वो सब एक तरफ इनटू किंगडम प्लांटिड, और जो सारे नॉन ग्रीन है ना, वो सारे एक तरफ विच इज किंगडम एनिमेलिया। तो सुपरफिशियली देख के उसने कैटेगराइज कर दिया, और आगे उसने ना प्लांटे को और भी बताया। उसने बोला प्लांटे को और यू कैन क्लासिफाई एज श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज, व्हेयरएज एनिमेलिया कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज वन विच हैव रेड ब्लड एंड वन विच विल हैव नॉन रेड ब्लड। समझ पा रहे कि नहीं? Either they could be red-blooded or they could be non-red-blooded, और इनमें आगे उनके height wise separate किया। अब याद है मैंने example दिया था Honolulu का, अब उसका मैंने birds बताया था, तुमने फट-फट-फट बता दिया कि उसका ऐसा 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 characteristic होगा बिना देखे। That was because उस group के जितने भी organisms है, वो सारे organisms के पास common characteristics है, है कि नहीं? वैसे ही जब यहाँ पे groups बनाए जा रहे हैं, तो common characteristics होने चाहिए। यहाँ पे तो वो हो नहीं रहा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? इस वजह से एरिस्टोटल वाला जो ग्रुपिंग पैटर्न था ना, उसको रूल आउट किया गया था। और ऐसा ही सेम ग्रुप हमारे फेवरेट आदमी ने किया था। कौन है फेवरेट अपना? कार्लस लिनायस। इस भाई साहब ने भी दो कैटेगरी में सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। उन्होंने बोला जिन जिन ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल है ना, उसको तुम प्लांटे में डाल दो, और जिन जिन के पास सेल वॉल नहीं है उनको तुम एनिमेलिया में डाल दो। समझ पा रहे? जिन जिन के पास सेल वॉल है सारे प्लांट्स, जिनके पास नहीं वो सारे एनिमल्स। कुछ ऐसा उसने क्लासिफाई किया और अपने को दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इनिशियली ये नया नया था तो काफी सारे लोग खुश हो गए कि हाँ बात बराबर है करके, ऐसे क्लासिफाई कर सकते कर सकते। लेकिन बाद में लोगों को लगा कि ये तो काफी झोल है, बिकॉज कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स में थे, कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स प्लांटे में भी थे, कुछ प्रोकैरियोट्स थे कुछ यूकैरियोट्स थे। तो हम कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे, इसके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? कॉमन बेसिस नहीं था, सिर्फ सेल वॉल के बेसिस पे तुम क्लासिफाई नहीं कर सकते। इस वजह से ये वाला क्लासिफिकेशन थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई किया, और एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था अर्नेस्ट हेकेल। उसने बोला तुमको प्रॉब्लम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है ना, तुम एक काम करो, सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो प्लांटे में है और जो एनिमेलिया में है, इन दोनों किंगडम में जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है ना, वो सारे को इकट्ठा करो और प्रोटिस्टा में डाल दो। तो एक नया किंगडम हमारे पास आया विच वॉज किंगडम प्रोटिस्टा। आर वी क्लियर? दिस वॉज अ थ्री किंगडम classification. This we call it to be as three kingdom classification. Are we clear up till here? Any doubts? Anyone? चले आगे। अब protista accept कर लिया, सबने बोला कि हाँ हाँ unicellular सब इकट्ठा आ गए, इसमें सारे cell wall वाले, इसमें सारे बिना cell wall, perfect. लेकिन अब लोगों ने बोला कि protista में काफी organisms के पास cell wall सबके पास है, लेकिन काफी ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो प्रोकैरियोट है, कुछ ऐसे हैं जो यूकैरियोट है। तो अभी इसका क्या झोल करें हम? ये तो गलत हो गया, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहा ही नहीं प्रोटिस्टा में। तो एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोपलैंड। कोपलैंड बोलते हैं ठीक है एक काम करो, प्लांटे को जैसा था वैसे रखो, ये तुमको नड़ नहीं रहा है कहीं पे। तुम प्रोटिस्टा के अंदर सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को बचा के रख लो,
और एक नया किंगडम मैं देता हूँ, विच इज किंगडम मोनेरा। इस मोनेरा में एक सारे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स रख लो, विच विल इंक्लूड ऑल बैक्टीरिया। सो मोनेरा किंगडम बिकम्स अ बैक्टीरियल किंगडम, ठीक है। और एनिमेलिया को तुमको वैसे भी कहीं पे नट नहीं रहा था, तो एनिमेलिया को वैसे ही छोड़ दो जैसा है, समझ पा रहे। इस तरीके से हमको मिले चार किंगडम्स। अब सब साइंटिस्ट और सब लोग पूछ के, हाँ चलो परफेक्टली हो गया। जैसे जैसे टाइम आ गया लोगों को रिलाइज हुआ कि ओ शिट, यहाँ पे तुम बता रहे हो कि सबके पास सेल वॉल है, सारे मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन कुछ सैप्रोफाइट्स है और कुछ ऑटोट्रोफिक है। यस और कुछ सैप्रोफाइट्स है और कुछ ऑटोट्रोफिक है। सैप्रोफाइट्स है यानी कि फंगस आ गए, ऑटोट्रोफ यानी प्लांट्स हो गए। तो प्लांट्स को प्लांट्स में रखो, फंगस को निकाल दो वहां से। तो एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था आर एच विटेकर, ठीक है। दिस आर एच विटेकर गेव अस किंगडम प्लांटे। ही सेड प्लांटे में से सारे नॉन फोटोसिंथेटिक को उठा के नए किंगडम में डाल दो, विच इज फंगस। बाकी के तीन जो थे, विच इज मोनेरा हुआ या तुम्हारा प्रोटिस्टा हुआ या फिर तुम्हारा एनिमेलिया हुआ, इन सब में तो कोई इश्यूज था ही नहीं, वो बराबर से सॉर्टेड थे, तो उनको वैसा का वैसा ही रखो। तो इस तरीके से हमको मिले थे कितने किंगडम, ये पांच किंगडम। इतने बेहतरीन तरीके से डिवाइडेड थे सारे ऑर्गेनिजम्स, इतने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड थे कि अब सारे साइंटिस्ट सैटिस्फाइड थे कि हाँ ये एकदम परफेक्ट मेथड है और परफेक्ट तरीका है जो आर एच विटेकर ने इस्तेमाल किया है सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का। एंड दिस वाज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। नाउ आज के दिन भी जब हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हम इसी को कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। श्रावणी के मन में लड्डू फूट रहे कि सर इसके बाद भी और कुछ था क्या? इसके बाद भी एक इंसान था जिसका नाम था कार्ल वूस। ये साइंटिस्ट ने आगे और क्लासिफिकेशन की। इसने हमको, जब इसने स्टडी किया था लोगों के 16 sRNA, व्हाट डज एस स्टैंड फॉर, स्वेडबर्ग्स यूनिट, आरआरएनए। तो 16 sRNA को स्टडी किया, ठीक है। अब तृप्ति बोलते क्या होता है, हमको क्या पता सर, आपको पता होगा, हमको पता नहीं। 16S RRNA क्या होता है, हम सबके बॉडी में, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में RRNA होते हैं अलग अलग S टाइप के। जो 16S RRNA होता है, ये ऐसा RRNA होता है जो हर एक स्पीशीज के लिए यूनिक होता है। यानी कि कल अगर नंदिनी कोई बाहर घूमने जा रही है और वहां पे उसको कोई अलग टाइप का बर्ड दिख गया और उससे जानना है कि ये बर्ड कौन से स्पीशीज से बिलोंग करता है, तो वो उस बर्ड के अंदर से 16S RRNA निकाल के उनका स्टडी कर सकती है और स्टडी करके किसी एक सॉफ्टवेयर में डाल देगी इंफॉर्मेशन, तो उसे फट 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 करके पता चल जाएगा कि ये इस किंगडम, ये फाइलम, ये सब फाइलम, ये क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज से बिलोंग करता है। आर वी क्लियर? इफ यू अंडरस्टैंड, स्पीशीज तक पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ 16S RRNA। आर वी क्लियर अप टिल हियर? तो इस साइंटिस्ट ने, कार्ल वूस ने, सारे ऑर्गेनिजम्स के 16S RRNA पढ़े और कहा कि तुम ऑर्गेनिजम्स को किंगडम में नहीं, डोमेन्स तक क्लासिफाई कर सकते हो। डोमेन समझता है? हमने पढ़ा हुआ है ये चीज, किंगडम से भी बड़ा ग्रुप होता है विच इज कॉल्ड एज डोमेन। इसने क्या किया, सारे ऑर्गेनिजम्स को तीन डोमेन्स में क्लासिफाई कर दिया। अब ये क्या थे तीन डोमेन? सबसे पहला डोमेन था आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में सारे आर्कियोलॉजिकल बैक्टीरिया आ रहे थे, विच इज नथिंग बट आर्के बैक्टीरिया इटसेल्फ। ये क्या होते हैं सर? ये ऐसे बैक्टीरिया है जो दुनिया में सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म आया था ना, वो ये था। इस वजह से इसका नाम भी है आर्कियोलॉजिकल बैक्टीरिया, जिस आर्के बैक्टीरिया। आर्कियोलॉजी समझता है, पुराने चीजों के स्टडी को आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो ये सबसे पुराना बैक्टीरिया है, ये सबसे पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ पे आया हुआ है। उनको एक डोमेन में डाल दिया, विच इज डोमेन आर्के बैक्टीरिया। फिर दूसरा डोमेन आया, विच इज डोमेन यू बैक्टीरिया।
यू बैक्टीरिया में सारे यू बैक्टीरिया थे, अब यू बैक्टीरिया क्या होगा, यू बैक्टीरिया क्या होगा, नए लिविंग ऑर्गेनिज्म, नए बैक्टीरिया जो अभी आज के जमाने में दिखाई देते अपने को, ठीक है, आज के जमाने में जो भी नए नए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा एडवांस वर्जन वाले जो बैक्टीरिया दिखाई देते उन्हें कहेंगे यू बैक्टीरिया। आप क्लियर? यस और नो बेटा? यस। चले आगे। फिर थर्ड उसने दिया था यूकैरिया, ये तीसरा डोमेन था यूकैरिया, जिसमें उसने बोला अब इसमें सारे यूकैरियोट्स डाल दो, मतलब दिस विल इंक्लूड प्लांटे, दिस विल इंक्लूड फंगाई, दिस विल इंक्लूड प्रोटिस्टा as well as animalia. Are we clear? So he gave us, ideally he gave us six kingdom classification. अब तक हमारे पास था पांच kingdom, अब उसने हमको दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6. So he gave us six kingdom classification. Are we clear up till here everyone? Yes. Any doubts? पक्की बात? चले आगे? पूरा समझा? वंस मोर और अंडरस्टूड? सबको आसान कॉन्सेप्ट था? अब क्वेश्चन ये है कि इसने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया वो आप बताए, इसने पांच किस कौन से कैरेक्टर्स कौन से क्राइटेरिया को कंसिडर करके क्लासिफाई किया वो हमको नहीं बताया, तो चलो वो पढ़ते हैं। आर एच विटेकर ने जब पांच किंगडम में क्लासिफाई किया था तो कुछ क्राइटेरिया को कंसिडर किया था उसने, क्राइटेरिया समझता है? कुछ बेसिक कैरेक्टर्स, उन बेसिक कैरेक्टर्स को पकड़ के उसने पांच किंगडम में क्लासिफाई किया था। सबसे पहला क्राइटेरिया ये था कि उसका सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी कि करेक्ट वो यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर, वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट, दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसने देखा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अब ये हमको पता होना चाहिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या, यानी कि जो पूरा ऑर्गेनिज्म है वो सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रखता है, टिश्यू लेवल रखता है, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म लेवल, या फिर उसका बॉडी जो है वो ब्लाइंड सैक बॉडी है या ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी है, ये सब को कंसिडर करके ही गेव अस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। समझ पा रहे? फिर उसने बोला कि बॉडी तो बन गई, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन खाना कैसे खा रहे हैं, whether they are saprophytes, whether they are autotrophs, whether they are decomposers, they are omnivorous, carnivorous, herbivorous, अगर autotroph है तो वो photo autotroph है या chemo autotroph है, ये सारे characters उसने consider किए और consider करके उसने हमको पांच kingdom दिया। समझ पा रहे? फिर खाना खा लिया तो बोला कि अच्छा अभी रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है वो बताओ, तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं या सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, अगर एसेक्सुअली कर रहे हैं तो किस प्रकार कर पा रहे हैं, अगर सेक्सुअली कर रहे हैं तो सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा है, गैमिट्स कैसे बन रहे हैं, वो गैमिट्स फ्यूज कैसे होते हैं, वो गैमिट्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है, प्लस ऑर्गन्स में उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन्स कैसे ऑर्गेनाइज है, ये सारा सब कुछ भी देखा गया, दैट्स नथिंग बट रिप्रोडक्शन। एंड लास्टली दे कंसिडर रिप्रोडक्शन आने के बाद बच्चा आ गया तो बच्चे का फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बताओ क्या है। समझ पा रहे कि नहीं? सो दीज वर द फाइव क्राइटेरिया दैट वर कंसिडर्ड बाय आर एच विटेकर for classifying all the living organisms and finally he came up with five kingdoms. समझ पा रहे कि नहीं? इन पांच characteristics को consider करके सारे living organisms को आर एच विटेकर ने पांच अलग अलग group में divide कर दिया था, वो group के नाम वहां पे लिखे गए। यहां तक clear है सबको? Everyone? Any doubts? Clear है? ये पांचों पांच क्राइटेरिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे नीट एग्जाम के लिए, बिकॉज इसमें जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आता है या फाइंड द ऑड वन आउट आता है तो हमेशा बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि कौन सा ऑड होगा, इसको याद रखना आसान है, जैसे मैं याद रखता हूँ वैसे तुमको बता रहा हूँ, तुमको वैसे याद रहते तुम वैसे याद रखो, नहीं रहता खुद से भी कर सकते। ये सबसे पहले हम जायगोट फॉर्म में थे, उसके बाद हम बड़े बच्चे बन गए तो बॉडी हमारा बड़ा हो गया,
बड़े बच्चे बनने के बाद हमने खाना खाना शुरू किया, खाना खाते खाते हम रिप्रोडक्शन के लायक हो गए, रिप्रोडक्शन करने के बाद बच्चा आया तो बच्चा और मेरा रिलेशन क्या है वो मुझे पता चल गया। अच्छा यू कैन मेमोराइज दैट, समझ पा रहे? नहीं लूंगा भाई तुम्हारा, उनका लिया तुम्हारा नहीं लूंगा, ठीक है? जेन्युइनली नहीं लूंगा, नथनी बोलते कल भी बोलते नहीं लूंगा, ठीक है? अभी पढ़े ध्यान इधर, हाय मंदार, एक तो आए इतने दिनों बाद, क्लियर है एवरीवन? सबको सॉर्टेड है? दीज आर द क्राइटेरियास। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज के एग्जैक्टली इन ऑर्गेनिजम्स के, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो ऑब्वियस है, सबसे पहले धरती पे कौन पधारे थे? सारे बैक्टीरिया। तो किंगडम मोनेरा सबसे पहले बना, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे थे यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इनमें से इवॉल्व होते 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 नए ऑर्गेनिजम्स बने, कौन से? प्रोटिस्टा वाले, क्योंकि ये सारे क्या थे? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा से आगे जब इवॉल्व हुए तो तीन इकट्ठा इवॉल्व हुए थे, कौन थे ये तीन? प्लांटे, फंगाई एंड एनिमेलिया। ये सारे के सारे क्या थे? मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स, जिनमें ये ऑर्गेनाइज हुए थे बिकॉज प्लांटे वर ऑल ऑटोट्रोप्स, फंगाई में सारे थे सैप्रोफाइट्स कह सकते हैं या फिर यू कैन से डीकम्पोजर्स, एंड एनिमेलिया में सारे थे हेटेरोट्रोप्स। आसान? यस और नो? तो डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन विल बी दिस, प्रिटी ऑब्वियस। आसान कि एवोल्यूशन जो था वो इस डायरेक्शन में हुआ था। कोई डाउट्स है? पूरा शॉर्ट लिखे, फटाफट लिख चो। थैंक यू। We have first kingdom to understand, which is Monera. देखो मोनेरा यानी सारे प्रोकैरियोट्स हो गए। सारे प्रोकैरियोट्स के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, है कि नहीं? हमें पता है उनका सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स दैट इज बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, हाँ तो बोलो, दैट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, you know that they have pili or fir fimbriae. Pili helps in fimbriae helps in, hame ye bhi pata hai ki unke paas nucleus jaisa kuch nahi hota, rather they have nucleoids, nucleus like, yaad hai? Unke paas hota hai nucleoids. Iske alawa humne padha ki jo bacterial cells hota hai uske alag alag shapes hote hain, like cocci, bacilli, spindler, vibrio, theek hai? प्लस हमको ये भी पता है कि जो बैक्टीरिया रहते हैं दे आर इधर मोटाइल और नॉन मोटाइल। अगर मोटाइल हुए तो फ्लैजेला ही होगा सिर्फ, और फ्लैजेला जो रहेगा दैट विल बी कंपोज्ड ऑफ। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि ऑर्गेनिज्म या तो फिलामेंटस होगा या तो नॉन फिलामेंटस होगा, ये सब पता है, सब जानते हैं। बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। हमें ये भी पता है कि जो बैक्टीरिया रहते हैं उनके पास ग्लाइकोकैलिक्स होता है बाहर, जो स्लाइम या फिर कैप्सूल बनाते हैं, सब पता है यार हमें तो। हमें ये भी पता है कि उनका राइबोसोम्स जो होता है वो जो दो पार्ट में डिवाइड किया तो हमारा सब कुछ पता है हमको, तो समय नहीं लिखो चलेगा, नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। चले आगे थोड़ा, हम ये पढ़ते हैं जो हमने नहीं पढ़ा उस समय, ठीक है? तो जो मोनेरंस रहते हैं, एक तो ऑफ कोर्स इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा इसके अंदर दो कैटेगरीज आ जाती है, एक जिसे हम कहेंगे आर्के बैक्टीरिया और दूसरा व्हिच यू कॉल इट एज यू बैक्टीरिया। So when we talk about archaebacteria as such, सबसे पहले हम archaebacteria के बारे में पढ़ लेते हैं।
नाउ जब आर्किया बैक्टीरिया की बात करेंगे, आर्किया बैक्टीरिया यानी आर्कियोलॉजिकल बैक्टीरिया, आर्कियोलॉजिकल बैक्टीरिया यानी ऐसे बैक्टीरिया जो सबसे पुराने हैं, ठीक है। अब उर्वा क्या लिख रहे बेटा, हो गया लिख के तुम्हारा। आर्किया बैक्टीरिया में जितने भी बैक्टीरिया रहेंगे वो सारे के सारे बैक्टीरिया आर एनएरोबिक इन नेचर, ये सबसे पहला कैरेक्टराइजेशन। इसके अलावा सारे जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगे ना, जैसे मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है या बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा पीएच है या बहुत कम पीएच है, हाई सैलिनिटी, लो सैलिनिटी, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ड्रॉट, फ्लडेड, सारे अलग अलग एक्सट्रीम कंडीशन। उन सारे एक्सट्रीम कंडीशन में ज्यादातर कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते, लेकिन ये सर्वाइव कर लेता है, जिस वजह से वी क्लासिफाई देम एज एक्सट्रीमोफाइट्स। एक्सट्रीमो यानी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करना, फाइल यानी लविंग यानी इनको चाहिए, इनको पसंद आते हैं ऐसे एक्सट्रीम वाले एनवायरनमेंट। सादे वाले एनवायरनमेंट में भी पाए जाएंगे, लेकिन एक्सट्रीम में तो बेहतरीन तरीके से ग्रो होते हैं। समझ पा रहे? Yes, sir. Is everyone sorted? Yes. चले आगे। काय आदर्श भाऊ कर ले, जाओ पूरे। आपके बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? सो एग्जाम्पल्स में, अच्छा सॉरी, ये एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो रहे हमने बताया। अब जब तन्वी ये एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो हो रहे हैं तो कैसे हो पा रहे, इतना हाई पीएच, मतलब पीएच 1.2-1.3 इतना ज्यादा पीएच हो गया, या एकदम कम पीएच, पीएच 10 या पीएच 9 जितना, ठीक है, इतने एक्सट्रीम कंडीशन में वो अपने आप को कैसे संभाल पाता है? तो दो रीजंस के वजह से। एक तो पहले उनका सेल वॉल कुछ ऐसे केमिकल से बना है जो उनको हेल्प करता है एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। जनरली ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास पेप्टिडोग्लाइकिन होता है, इसके पास होता है सूडो पेप्टिडो ग्लाइकिन, यानी कि केमिकल्स सारे पेप्टिडोग्लाइकिन वाले ही है, नैम एंड नैम, लेकिन जिस तरीके से ये ऑर्गेनाइज है ना वो नॉर्मल पेप्टिडोग्लाइकिन जैसा नहीं है, इस वजह से हम इसे कहते हैं सूडो पेप्टिडोग्लाइकिन। अब क्योंकि इनका सेल वॉल कुछ ये ऐसे अलग तरीके से है, इस वजह से वो सर्वाइव कर लेता है एक्सट्रीम कंडीशंस में भी, ठीक है। इसके अलावा इसके सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होते हैं, जनरली सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड होता है, जनरली सेल मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स होते हैं वो लीनियर होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। इनके लिपिड्स स्ट्रेट नहीं होते, ब्रांच्ड होते हैं, तो इनके सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच लिपिड्स होने की वजह से भी वो एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर लेता है। समझ पा रहे? यानी एक चीज हो गया कि उसका सेल वॉल कुछ अलग तरीके का है, दूसरा हो गया सेल मेम्ब्रेन का लिपिड जो है वो ब्रांच्ड है, ये दो रीजन की वजह से वो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन आसानी से सरवाइव कर जाता। क्लियर? चले आगे। एनी डाउट्स अप टू क्लियर? इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? सो फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव इज हैलोफिल्स या हैलोफाइल्स। हैलोफाइल्स मतलब क्या? हैलो मतलब, हैलो मीनिंग क्या? नहीं, हैलो यानी याद रखना, सॉल्ट होता है, फाइल यानी लविंग, सो दीज आर सॉल्ट टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हाई सैलिनिटी में सरवाइव कर जाते हैं। डेड सी का नाम सुना है? Yes. क्या होता है डेड सी? हाँ, सॉल्ट सॉल्ट सॉल्ट, पूरा तो बोलो। डेड सी क्या होता है? डेड सी सॉल्ट है, हाई सैलिनिटी होता है, उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, तो डेड सी क्यों कहते हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है ज्यादा सॉल्ट है? उसमें कोई सर्वाइव नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? हाई सैलिनिटी ना, तो हाई सैलिनिटी होने की वजह से वो क्यों सर्वाइव नहीं कर पा रहे?
बताओ पढ़ चुके हो तुम? तुमको ये चीज मैंने पढ़ाया है फर्स्ट चैप्टर में ही। जोर से बोल, ऑस्मो रेगुलेशन। आई वुड कट डाउन टू ऑस्मोसिस। क्या होता है, अगर कोई सेल को मैं ऐसे कंडीशन में रख दूं जहां पे सॉल्ट बहुत ज्यादा है तो बाहर जब चिल्लाता तब तो इतना जोर जोर से आवाज निकलता तेरा। हाँ, पार्थ को जब डांटना रह गया, पार्थ को बुलाना रह गया, तब इतना बड़ा आवाज आता है तेरा। जोर से बोल, सॉल्ट ज्यादा अंदर ले लेगा वो, वॉटर मूवमेंट विल बी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। यस और नो? अगर बाहर सैलिनिटी ज्यादा है तो यस ऑफकोर्स सॉल्ट विल बी टेकन इनसाइड, बट देन मेजर थिंग क्या होता है कि अंदर से पानी बाहर चला जाता है। और अंदर से जब पानी बाहर चला जाएगा सारा पानी, अब इमेजिन कि मैं तुम्हारे बॉडी से सारा पानी चूस ले रहा हूँ, तुम जिंदा रहोगे क्या? मरोगे ना, because 70% of your body is composed of water. If I take out entire water from your body, you will be dead. अब यही सेम चीज होता है नॉर्मल सेल्स के साथ। इस वजह से उस डेड सी को डेड सी कहते हैं, बिकॉज सारे सेल्स मर जाते उधर, लेकिन ये नहीं मरता। क्यों सर? बिकॉज के कुछ रीजन है। हाउ इज इट सॉल्ट टॉलरेंट? तो पहला रीजन तो ऑफकोर्स उसका सेल वॉल उसको हेल्प कर रहा है। दूसरा रीजन क्या है? उसका मेम्ब्रेन उसको हेल्प कर रहा है। तीसरा रीजन काफी इंटरेस्टिंग है, दे टेंड टू लैक साफ वैक्यूल। उनके पास साफ वैक्यूल से नहीं होते, इससे क्या फर्क पड़ता है सर? देखो, अगर ये सेल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, एक्स्ट्रा पानी है ना, अगर इसको मैं सैलाइन वाले एनवायरनमेंट पे रख दूं तो यहां से पानी बाहर जाएगा, और ये बचा हुआ पानी जो उसने रखा हुआ था समझो कि वो सारा निकल गया बाहर, सारा उसका जोड़ा हुआ पानी बाहर निकल गया, और प्लस एक्स्ट्रा वाटर साइटोप्लाज्म से भी जाने की चांसेस है। अब अगर उसके पास ये ही नहीं है तो वो बोलेगा ना कि तू कितना भी मांग, मेरे पास पानी नहीं है, मैं तेरे को क्या दूं? सेव अंदर पानी उसने स्टोर ही नहीं किया, कोई देयर इज नो एक्स्ट्रा वाटर फॉर इट टू गिव इट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो वो सर्वाइव कर जाएगा, बिकॉज उससे पानी मांगेगा ही नहीं, है ही नहीं उसके पास। समझ पा रहे? नहीं समझा? डाउट है जैसा कॉन्फिडेंटली हाँ बोलो कि समझ गया सर, काय टूटती वही नहीं, डाउट है? समझा नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? डाउट है? चलो चले आगे। सो दैट्स हैलोफाइल्स फॉर अस। हैलोफाइल्स के अलावा हमारे पास और भी दो एग्जांपल्स है, जिसमें से एक है थर्मो एसिडोफिल्स। अब ये क्या हो जाएंगे? थर्मो मतलब हीट, एसिडो यानी फिल यानी दीस विल बी दे सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच। ये हाई टेम्परेचर और लो पीएच में सर्वाइव करने वालों में से क्वेश्चन इज कैसे, क्यों, कहां पे? देखो, गर्म पानी का कुंड सुना है? देखो, या तो आंसर यस होता है या तो आंसर नो होता है। प्लीज बी अ लिटिल बिट मोर इंटरएक्टिव। गर्म पानी का कुंड सुना है या नहीं सुना है? ओके, जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए पूरा कहानी बनाता हूं। चलो, नॉर्थ में ना एक मनाली में ही शायद एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे मंदिर के एग्जैक्ट बाहर ना एक ऐसा कुंड है। कुंड समझता है? अ स्मॉल पॉन्ड आर्टिफिशियली मेड सॉर्ट ऑफ। वहां पे ना पानी बॉइल्ड पानी आता है, बॉइल्ड समझता है, उबड़ 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 वाला पानी आता है, इतना गर्म। अब मनाली के पहाड़ के टिप्स पे है ये मंदिर, तो यू कैन इमेजिन के मनाली ऑलरेडी इतना ठंडा, ऊपर से उसके पहाड़ के टिप पे ही है तो कितना ही ठंडा होगा उधर, कितनी ठंडी होगी। मतलब उधर कम से कम टेम्परेचर भी 10 डिग्री तो हो ही जाता है, मतलब कम से कम ऐसे अगर बहुत ज्यादा भी गर्मी हुआ ना उधर तो भी 15 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं जाता। अब इमेजिन 15 डिग्री से वेरी कोल्ड टेम्परेचर ना, अब 15 डिग्री से भी ऊपर नहीं जा रहा है, तो इन दैट केस, इन दैट स्पेसिफिक केस,
पानी जो है इतना गर्म हो सकता है क्या ये पूरा? और कुछ समय तो स्नोफॉल भी होता है। अब इमेजिन इतना सब होने के बावजूद तो पानी हमेशा बॉइल्ड वाटर ही रहता है हमेशा। इस वजह से वो उसका इतना पवित्रता माना जाता है कि वहां पे जो भोग में खाना चढ़ाते हैं ना, मतलब भोग में खाना नहीं बोलेंगे लेकिन प्रसाद में जो खाना जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो चावल होता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, एक कच्चा चावल, थोड़े कच्चे चावल लेते हैं, पूड़ी में बांधते, वो पानी में रखते हैं, एंड देन 1 2 3 4 5 रिमूव आउट, वो चावल जो पूरी तरह से पक गया है। इमेजिन 5 सेकेंड वो चावल पक गया, मतलब कितना ज्यादा गर्म होता है। नेचुरली है ये, ठीक है, नीचे तवा बवा नहीं लगता तो वो भी नहीं है, आग वाग भी नहीं है, इट्स अ नेचुरल थिंग। अब क्वेश्चन इज, साइंटिस्ट को जानना था कि पॉसिबल कैसे है भाई, हाउ इज इट पॉसिबल कि इतना ठंडा चीज फिर भी तुम गर्मा गर्म चीज डाल। तब उन्होंने काफी स्टडी करने के बाद पता चला कि उस जमीन के नीचे सल्फर वेंट्स है। सल्फर वेंट्स है ना, सल्फर को प्रोड्यूस करने वाला पूरा ऐसा लावा टाइप से नीचे, जिस वजह से तुम कितना भी ठंड हो जाए वहां पे वो शांत नहीं होता, वो सल्फर बनते रहता है। उसके ऊपर से कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी वहां पे है जो सल्फर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो या तो सल्फर को रिड्यूस कर देता है, दिस इट हैज रिड्यूस सल्फर प्रोडक्शन ऑफ H2S व्हिच इज हाईली एसिडिक इन नेचर, या फिर H2SO4 यानी सल्फर को वो ऑक्सीडाइज कर देगा। कैन यू सी दैट सल्फर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? आप क्लियर आपके लिए और नॉट समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो या तो वो सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा या तो वो सल्फर को रिड्यूस करेगा। इन दोनों ही कंडीशन में ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, पीएच काफी कम हो जाता है, टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। और इस रीजन की वजह से जो खुद ही ये करवा रहा है ना, उसको चाहिए ऐसा, ये करने से उसको एनर्जी मिलता है और उस एनर्जी से वो अपना खाना बना पाता है। इस रीजन से वो कर रहा है, अब कर रहा है तो ऑब्वियसली सर्वाइव कर पाता होगा, तभी तो कर रहा है। समझ पा रहे? कोई इंसान नॉनवेज तब खाता है जब उसका बॉडी उसको पता है कि मैं डाइजेस्ट कर पाएगा नॉनवेज। इफ यू गाइस आर अवेयर नॉनवेज इज अ हेवी फूड, ठीक है, अब उसमें प्रोबेबली तो लोअर एग वेग सब खा लेंगे, लेकिन जो हैवी चीजें होती है ना, हैवी माने क्या, चिकन मटन सबको हजम नहीं होता, लिमिटेड लोगों को। नंदनी ऐसी हंसी, वाओ, नंदनी नॉनवेज खाती है, तभी मुंह पे स्माइल, बड़ा बड़ा स्माइल आ गया नंदनी के। सब नहीं खा पाते वो चीज, बिकॉज इट्स हैवी, इट्स नॉट हेल्दी फॉर द बॉडी एज सच। नॉट हेल्दी मतलब वो मसालेदार इतना होता है और न्यूट्रिशन वाइज भी वो काफी ज्यादा हैवी होता है, सब नहीं डाइजेस्ट कर पाते। अब ये कर पा रहा है, मतलब सर्वाइव भी करेगा ही, समझ पा रहे? So that is the thing. अब question is कि how? खुद कर रहा है वो समझा, खुद ही produce कर रहा है low temperature, low high temperature and low pH. तो कैसे survive कर पा रहा है? तो एक reason तो हमें पता है how का, बताओ क्या? दूसरा reason भी पता है, बताओ क्या? तीसरा reason क्या हो जाएगा? The third reason that we have is protein. क्या बात करें सर? कुछ protein होता है जो वो खुद प्रोड्यूस करता है, ये प्रोटीन वो प्रोडक्शन करके अपने सेल के अंदर छोड़ देता है। अब जब सेल के अंदर ये प्रोटीन रहता है ना, तो ये प्रोटीन सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है। बाहर चाहे कितना ही ठंडा टेम्परेचर हो या बाहर चाहे कितना ही पानी हो, कितना कम पानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर का एनवायरनमेंट विल बी मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटीन। कौन सा है ये प्रोटीन सर? हमारे सिलेबस में नहीं है, तुम क्यों पढ़े? ठीक है, फिर भी हमें चूर मच्छी है तो गूगल करो, गूगल माता से पूछो, इस बहाने तुमको दो चीजें और एक्स्ट्रा पता चलेगी, बट यही गूगल करो। हमने तो घर जाके बोलेंगे कि पेरेंट्स को जाके बोलेंगे कि सर ने बोला मोबाइल पे स्टडी करने का, फिर समझ पा रहे हैं? क्लियर है? चले आगे। तीसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास है, दैट इज मीथेनोजेन्स या मिथेनोजेन्स। अब नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होंगे, बताओ क्या होंगे? मीथेन प्रोड्यूसर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस।
अब हमें पता है कि मीथेन गैस जो है वो डैश गैस है, मार्शी गैस। तो कहाँ पे पाए जाएंगे ये बैक्टीरिया? मार्शी एरिया में। मार्शी एरिया का आंसर तन्वी, तन्वी वेदिका, व्हाट इज मार्शी लैंड? विराची, श्रावणी, किस कौन सा रीजन? माउंटेन्स वाला रीजन, क्योंकि एमएम ऐसा राइम किया। श्रावणी, जिसके रूट्स बाहर आए वो, तो वैसे तो इधर कोकोनट के भी रूट्स बाहर आ जाते हैं, ये जमीन मार्शी। हाँ, कौन सा रूट्स? अलगे होता है, दलदल, कीचड़ वाला इलाका, ठीक है, मतलब नाले के बाजू में जो कीचड़ होता है ना, गंद वाला, जहाँ पे पैर रखो सीधा अंदर, that's nothing but marshy land. उस marshy land में you will have methanogens growing. इसके अलावा they are also found in the gut of ruminant animals. ये क्या होते हैं पता है? ruminant animals क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनके पास चार पेट होते हैं। क्या बात करो, चार पेट, डिग्री में पढ़ाया जाएगा कैसे चार पेट होते हैं, अभी हम वो नहीं डिटेल पढ़ेंगे चार पेट कैसे क्यों कहा, बट गट माने इंटेस्टाइन। तो गाय, भैंस, बुल, ऑक्स, ऑल दीज आर रूमिनेंट एनिमल्स। जिसको भरोसा नहीं होता अपने नसीब पे, वो बोलता है खाना सामने खा लो, फिर कब मिलेगा पता नहीं, तो फटफट फटफट खाना खा लेते बिना चबाए, फिर बाद में जब फ्री टाइम रहता ना तब चबाते बैठते हैं, चबा चबा के वो खाना खा जाते हैं और खा के अपने इंटेस्टाइन में रखते हैं। जब खाना अपने इंटेस्टाइन में रखते हैं ना, तो उसमें काफी सारे सेल्यूलोज रहेंगे, बिकॉज़ दे आर हर्बीवोर्स, तो भंडार में कच्चा सेल्यूलोज होता है। हम जब उसको घास खिलाते हैं तो बॉइल करके थोड़ी खिलाते हैं, हम तो बोलते हैं ना लेखा, तो हम भी ना खाए फिर भी खिलाते ना उसको, तो वो कच्चा सेल्यूलोज होता है। जब वो ये कच्चे सेल्यूलोज को खाता है ना, तो उसको डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसे कौन डाइजेशन में हेल्प करवाएगा? मेथानोजेंसिन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करवाता है, और डाइजेस्ट करवा के इट विल मेक इट प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एज मीथेन। तो अपने बॉडी में से जब गैस निकलता है तब वो H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होते हैं, जबकि इनके बॉडी में से जब गैस निकलता है तब वो मीथेन गैस होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोगैस। आर वी क्लियर? यस और नो? इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे मेथानोजेंस के? You have Methanococcus, Methanobacilli, etc. ये नाम याद रखने के लिए आसान है, इसलिए मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल दिए जिसके नाम तुम आसानी से याद रख सकते, ठीक है? Methanococcus कोकाई शेप, Methanobacillus bacillus, आसान, एवरीवन, कोई डाउट? नो डाउट्स, सब लोग खड़ा लो, पक्की बात, क्विकली राइट डाउन। ये खत्म नहीं हुआ, सिर्फ आर के बैक्टीरिया पढ़े हम, यू बैक्टीरिया बाकी है। यू बैक्टीरिया के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्राइटेरिया आर एग्जैक्टली सेम एज दैट वी स्पोक इन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसके क्राइटेरिया नहीं पढ़ेंगे, सीधे एग्जाम्पल्स पे जाएंगे, ठीक है? चलो देखो, हाँ।